Narayana, 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 Srimal Narayana, 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 Srimal Narayana, 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 பாரானும் சாந்தானும் கணானும் அச்சலானும் துவானும் நித்யானும் புஜஸ்ரூபானும் ஜானஸ்ரூபானும் ஆனந்தியானும் நானந்தியானும் நானந்தியானும் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ख्याल करना चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए. उनके विषय में आपको बतलाया था कि उनके दर्शन करने से और उनके साथ में वार्तालाप करने से नलू से एक बड़ा भारी पापी था. मैं सर्प की योनि से छूट कर करके और उत्तम गति में चला गया. सर्प की योनि को जो प्राप्त हो गया था उस पाप से मुक्त हो गया. राजा जिष्ठ के दर्शन से और वार्तालाप से यानी उसके दर्शन और वार्तालाप के प्रभाव से. ये बात भी आपको बतलाई थी जब राजा युधिष्ठिर विराट नगर में वास करते थे तो उनके वास करने के प्रभाव से थी वहां की जनता धर्मात्मा हो गई और उस देश में धन और धान और गौ की वृद्धि हो गई. ये कैसी अद्भुत बात है कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर वास करे उस देश के बीच के में अकाल नहीं पड़े और धन धान की वृद्धि हो. इतना ही नहीं वहां की प्रजा धर्मात्मा बन जावे सत्यवादी बन जावे युधिष्ठिर के प्रभाव से. महाराज युधिष्ठिर के विषय में बहुत सी बातें हैं फिर भी एक प्रकार से आपको सार सार बातें बतलाई जाती है. उसका विस्तार तो बहुत है. राजा युधिष्ठिर बहुत उच्च कोटि के धर्मात्मा पुरुष थे. प्रातःकाल महाराज युधिष्ठिर का नाम उच्चारण करने से थी मनुष्य को पुण्य होता है पापों का नाश होता है. इसलिए बहुत से लोग प्रातःकाल महाराज युधिष्ठिर को स्मरण करते हैं. कोई भी क्यों न हो हम किसी को भी याद करते हैं तो उनके गुण और उनके प्रभाव और उनके आचरण का असर पड़ता है. तो युधिष्ठिर को याद करने से युधिष्ठिर के गुणों का और प्रभाव का और उनके चरित्र का मनुष्य पर असर पड़ता है. जैसे कोई मनुष्य कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है या उसका दर्शन करता है वार्तालाप करता है तो उसका उस पर असर पड़ता है. उसके हृदय में काम का दीपन होता है कि वह कामनी है. इसी प्रकार से युधिष्ठिर धर्मात्मा है उसको याद करने से धर्मात्मापन का भाव की जागृति होती. ऐसे पापी को याद करने से पाप की जागृति होती. एक समय की बात है कि युधिष्ठिर के चार भाई पारी पारी जो है जल लाने के लिए गए थे और उस तालाब के ऊपर में जो जल पीते हुए मरते गए. शेष में युधिष्ठिर गए अपने भाइयों को मरा रात दे करके आश्रय हुआ. उनके कहने में बाण लगा था और कोई प्रकार की चोट नहीं लगी थी. उनका शरीर जो है क्षत विक्षत से रहित था. उन्होंने सोचा कि ऐसे वीर पुरुष कैसे मारे गए. उस तालाब के जल की परीक्षा की कि इस जल में तो कोई विष तो नहीं है. तो तालाब के जल में कोई विष नहीं था वो शुद्ध था विष रहित था. जब राजा युधिष्ठिर जल पीने के वास्ते उठे तो राजा आकाश में से
वो राजा युधिष्ठ, ये तलाब मेरा है, इसका मैं मालिक हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर जो जल पियो नहीं जाओ, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीता हूं मर जाता, जैसे तुम्हारे चार भाई मर गए। उन्होंने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजा युधिष्ठ ने कहा कि आप पूछो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उससे उनके पास बहुत से अपना प्रश्न उत्तर है, चाहे एक चूड़ी भर लो। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि इस संसार के बीच में पृथ्वी से बड़ा कौन है। उन्होंने उत्तर दिया कि माँ, माँ पृथ्वी से बड़ी पूज्य और सबसे ऊंचा आकाश है। बोले आकाश से ऊंचा कौन है। बोले पिता, पिता से अपने लिए ऊंचा और कोई नहीं है। बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने पूछा कि इस संसार के वहां अमृत क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि गाय का जो दूध है, गौ का दूध वही अमृत है, यानी अमृत के तुल्य है। पूछा कि हृदय किसका नहीं है। बोले प्रसन्न की हृदय नहीं है। बोले हर वक्त आंख खोले कौन रहता है। बोले मच्छ, पड़क नहीं मारता, हर वक्त उसकी खुली रहती है। बहुत सी बातें पूछी। बोले मार्ग, मुक्ति का मार्ग और है। उन्होंने कहा कि श्रुतियां जो है भिन्न मार्ग को बतलाती है, समस्या भी भिन्न मार्ग को बतलाती है, और मुनि भी एक नई कि जिसका हम नाम कहें कि बहुत हो रहे हैं, और वे सब भिन्न बतलाते हैं। जिस समय क्या ना जो महान पुरुष होते हैं और वे जिस मार्ग से चलते हैं वही मार्ग मार्ग है, उनका अनुकरण करना ही मार्ग है। जैसे गीता में बतला यद यद आतृति शिष्य तत्त देवे तिरोजनो सयत परमाणु कुंते लोकस तदम करते। गीता की 30 अध्याय का 21 का श्लोक है। इसका भाव यह है, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है इतर मान दूसरे पुरुष उसी के अनुसार चलते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष जिस बात को प्रमाण कर देता है सब लोग उसके अनुसार ही चलते हैं। तो भाव यह है तो श्रेष्ठ पुरुष की आचरणों का अनुकरण करना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उसके अनुसार चलना। महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रति ये उपदेश दिया। बहुत सी बातें यक्ष ने पूछी। फिर पूछा यक्ष ने इस संसार में सुखी कौन है। जिसके शिविर ऋण नहीं है और अपने इसमें निवास करता है, दोपहर केवल साग है तो आप लोग इस प्रकार से अपनी मर्जी देखते हैं या वार्ता क्या है। मैंने उपदेश बात क्या है। तो उन्होंने कहा संसार रूपी कड़ाई जीवन रूपी दिन जिससे कराल के बाद और कर्म की कोशिश उसके भीतर में घूमता रहता है कर्म के अनुसार। यही बात है इस संसार रूप कराल से जो बाहर तरफ प्राप्त होता है ये भार है। राजा से कर्मचारी जो मरे थे उन्होंने एक को मैं जीवा सबने याद कही। मेरा भाई माधवी पुत्र को रजिस्टर में प्रथम वेतन मेरे धन के हाथ में चला हुआ उसमें आपको वापस सकते हैं। इनकुल की वो सहमत तो भीम जी के पुत्र चाहते
तुम चलो राजा पिता के सिर पर काम तीन पे मैं भीम अर्जुन जी के दो पुत्र हैं मुझसे अधिक भाई नाम से प्रसिद्ध हैं कुंती की संतान तो मैं हूं और मेरी सोत माता जो माधवी है उसकी भी एक संतान रहना चाहिए इसलिए मेरे भाई नकुल यशु जीवित हो आज मैं माधवी पुत्र नकुल को छोड़ करके मेरे भाई सहोदर भाई भीमसेन या अर्जुन को उठा लूंगा या जलाने के वास्ते कह लूंगा तो लोग क्या कहेंगे लोग मुझको धर्मात्मा समझते हैं उन पर कैसा असर होगा लोग कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है क्या समझते हैं राजा युधिष्ठिर नहीं कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं युधिष्ठिर कहते हैं लोग मुझको धर्मात्मा मानते हैं उनके आत्मा में कितना धक्का लगेगा लोग कहें राजा युधिष्ठिर ने धर्म का त्याग कर दिया अपने छोटी माता का पुत्र जो नकुल उसको न उठा करके अपने सहोदर भाई भीमसेन को उठा लिया या अर्जुन को उठा लिया कितने लोग कहेंगे कि राजा युधिष्ठिर राज के लोग ने आकर के कि नकुल जो कमजोर है उसको तो नहीं उठाया और भीमसेन को उठा लिया अर्जुन को उठा लिया ऐसे कहेंगे तो इसलिए मैंने ये सब बात सोच समझ ली है मैं सोच समझ करके होश होशियारी के साथ आपको कहता हूँ कि मेरी वही अर्ज है एक ही अर्ज है कि मेरा भाई नकुल जीवित हुए धर्मराज ने देखा कि ये अपने धर्म का त्याग नहीं कर रहा है धर्मराज अपने असली रूप में प्रकट हो गए बोले मैंने यक्ष का रूप धारण किया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं साक्षात धर्मराज हूँ लो तुम्हारे सभी भाई उठते हैं सभी भाई खड़े हो गए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने उस ऋषि जो अग्निहोत्री जो ऋषि है उसके अरने की लकड़ी मैंने चुराई यानी नर के रूप में उसको हरण करके लाया ले ये अग्नि की ये लो अग्नि की लकड़ी उस ऋषि को दे दे हमको यही ये विचार करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर कितने उच्च कोटि के धर्मात्मा पुरुष थे भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म का त्याग दिया इसलिए हम लोगों को उचित है भय से या लोभ से या काम के वशीभूत होकर के अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म जो है वो नित्य है और जीवन है मनुष्य का ये अनित्य है और जीवात्मा तो नित्य है और ये जीवन बहुत समय रहने का नहीं है इस बात को ख्याल में ला करके कि अल्प जीवन के वास्ते कभी अपने मिथ्या नहीं बोलना चाहिए अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए राजा युधिष्ठिर पर समय समय पर विपत्ति आती थी उसको शरण कर लेते थे और अपने धर्म का त्याग नहीं करते थे चाहे कितनी विपत्ति क्यों नहीं हो तो हर उच्च कोटि के महापुरुष थे एक समय की बात है पांचों पांडव और द्रौपदी ये तीर्थ यात्रा के लिए गए उन्होंने पूर्व के जितने तीर्थ है उनकी यात्रा की फिर दक्षिण की और फिर पश्चिम की शेष में उत्तराखंड के वहां सो गए उत्तराखंड के बीच के वहां जिसको गौरी शंकर पहाड़ कहते हैं उस पर जाए हिमालय के नाम से जो प्रसिद्ध है
उसे हिमालय के रास्ते में ही ये बद्रिकाश्रम के दार जी ये सब तीर्थ आते हैं, गंगोत्री जमुनोत्री सब उत्तराखंड में हैं। तो इन सब तीर्थों को कर करके मानसरोवर को लान कर करके और ये एकदम गौरीशंकर पहाड़ पर चढ़ने लगे, जिस पर कोई भी मनुष्य नहीं चढ़ सकता है, पर चढ़ता तो एक प्रकार से बर्फ के बीच के ना गिर जाता है और मर जाता है। ये जब आगे बढ़े तो उनकी धर्मपत्नी जो द्रौपदी है वो एक प्रकार से गिर गई और मर गई। उसके मरने के समय भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि महाराज आप कहा करते हैं कि बिना पाप के बिना मृत्यु नहीं होती, द्रौपदी परिव्रता उन लोगों की धर्म पत्नी थी, इसने ऐसा कौन सा पाप किया था कि जिस पाप के कारण से ये हिमालय के मां गिर करके मर गई। युधिष्ठिर ने कहा भाई भीम हम पांचवें इसके पति थे, पांचवें समान थे, सब में समभाव इसको रखना चाहिए था, किंतु समभाव नहीं रख करके अर्जुन के साथ में विशेष प्रेम करती थी, इस कारण से इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद में चलते चलते सहदेव गिर पड़ा। राजा जिससे तो आगे को बढ़ रहे हैं पीछे देखते ही नहीं। भीष्म ने कहा कि महाराज हमारा छोटा भाई सहजे गिर गया, मर रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि ये सत्यवादी बहुत पवित्र आत्मा विद्वान हम सबका भक्त, इसने कोई भी पाप किया हो ऐसा हमारे ख्याल नहीं है, फिर इसकी मृत्यु क्यों हो रही है? आप कहते हैं कि बिना पाप के बिना मृत्यु नहीं होती, तो इसने ऐसा कौन सा पाप किया? युधिष्ठिर कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा पंडित और विद्वान है, इनको कोई बात पूछता है उसके लिए तो उत्तर देता है, बिना पूछे नहीं कहता, इसके लिए कोई बात नहीं, किंतु इसके हृदय के बीच के वहां ये अभिमान रहा कि मैं विद्वान हूं पंडित हूं, मेरे समान एक प्रकार से कोई विद्वान नहीं पंडित नहीं, इस अभिमान के कारण से इसकी मृत्यु हुई। अभिमान बड़ा भारी पाप। उसके बाद में नकुल गिर गया, महाराज नकुल ऐसा गिर पड़ा है, नकुल की मृत्यु हो रही है, ये नकुल जो है सो बड़ा पवित्र था, इसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसे इसकी मृत्यु हो रही है? भीमसेन पूछ रहा है, राजा युधिष्ठिर उत्तर दे रहे। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन नकुल धर्मात्मा है, अच्छा है, किंतु इसके में एक दोष रहा, ये नकुल जो है सो बहुत ही सुंदर है, इसके हृदय में यह अभिमान रहता कि संसार के में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है, सुंदर बने के अभिमान के कारण से इसकी मृत्यु हो। उसके बाद में अर्जुन गिर पड़ा, उसके प्राण जा रहे हैं, इसको देख करके भीमसेन ने पूछा कि महाराज अर्जुन सत्यवादी और बड़ा धर्मात्मा पुरुष और ईश्वर का भक्त साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का सगा, हमने आज तक इसका कोई भी दोष नहीं देखा और ये भी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो इसकी मृत्यु क्यों हो रही है, इसने कौन सा पाप किया? युधिष्ठिर कहते हैं कि भीमसेन अर्जुन धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है,
तुमने जो बात कही सभी ठीक है। एक तो इसने ये प्रतिज्ञा की थी जिसमें हम लोग वन को गए, उसके पहले सभा के बीच के वहां जब द्रौपदी का सिर खंचा हुआ था, उसका अपमान किया हुआ था, उस समय में इसने वन जाने के समय में ये प्रतिज्ञा करी थी कि वन से वापिस लौटेंगे तो मैं अकेला इस सबको मार डालूंगा। वो प्रतिज्ञा इसकी सत्य नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि इसके मन में ये बड़ा अभिमान रहता था कि बाण विद्या में मेरे समान दुनिया में दूसरा कोई नहीं, इस कारण से अर्जुन की मृत्यु हो गई। फिर भीमसेन गिर पड़ा, गिरते गिरते और प्राण जाने के पूर्व भीमसेन ने कहा कि महाराज मैं गिर पड़ा और मैंने मृत्यु हो रही है, तो मैंने कौन सा पाप किया था कि जिससे मेरी मृत्यु हो रही है। महाराज जी ने कहा कि भीमसेन एक तो तेरे में बल का बड़ा अभिमान था, यह अभिमान था कि मेरे समान दुनिया में कोई बल नहीं है और अजीब भोजन करता था, इस पाप के कारण से तुम्हारी मृत्यु ऐसे हो रही है। इस प्रकार से थी, सभी भाई मर गए, द्रौपदी मर गई, महाराज युधिष्ठिर रहे। युधिष्ठिर आगे बढ़े तो बढ़ते बढ़ते चले गए हिमालय की चोटी पर, तो वहां देवराज इंद्र रथ में बैठ करके वहां आए। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, आप धर्मात्मा हो, इस कारण से आपको मृत्यु नहीं मार सकते, तो आप इसी शरीर से थी इस रथ में बैठो और स्वर्ग को चलो। ये सुनकर के राजा युधिष्ठिर ने पीछे की तरफ देखा तो एक कुत्ता खड़ा है। कुत्ते को देख करके इंद्र से कहा कि ये कुत्ता मेरे साथ में आया है तो ये भी स्वर्ग को चले। बोले स्वर्ग के वहां कुत्ते नहीं जा सकते। बोले मैं कैसे जाता हूं? बोले आप धर्मात्मा है, उस धर्म के प्रभाव से आप धर्म पालन के प्रभाव से आप जा रहे हैं। तो जिसने कहा मैंने जो धर्म का पालन किया है वो मैं आधा हिंसा इस कुत्ते को दे देता हूं, जिस धर्म के बल से मैं स्वर्ग को जाता हूं उसी धर्म के बल से यह कुत्ता भी स्वर्ग को जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, कुत्ता स्वर्ग को नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तो मैं भी इसको स्वर्ग को नहीं जाऊंगा, इस कुत्ते की जो दशा हुई मेरी दशा, तुम अपने रथ को वापिस ले जाओ, मैं यहां रहूंगा। जब यह बात कही तो कुत्ता नहीं था वो धर्मराज जी था, वो कुत्ता जो है सो साक्षात धर्म कुत्ते ने रूप का धारण किया था। फिर वो अपने रूप में बदल गए और कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, मैं साक्षात धर्म हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने के वास्ते कुत्ते का रूप धारण किया था, तुम परीक्षा में पास हो गए, तुमने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, इसलिए चलो हम सभी चलते हैं। साक्षात धर्म युधिष्ठिर और इंद्र ये तीनों बैठ करके स्वर्ग को चले। इसके बाद जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में देखा कि दुर्योधन जो है वो उच्च आसन के ऊपर विराजमान है। पूछा कि हमारे भाई कहाँ हैं? बोले आपके भाई दूसरे लोक में। ऋषि ने कहा जहां हमारे भाई हैं वहीं मैं जाना चाहता हूं। दुर्योधन स्वर्ग के वहां उच्च आसन पर बैठा है, बड़ा भारी
पापी था, नीच था, इसको स्वर्ग कैसे मिला? तो कहा कि जो एक प्रकार से थी, जो जिन्हें सम्मुख होकर के मरता है उसको प्रथम स्वर्ग मिलता है, उसके बाद उनके और कर्मों का फल मिलता है, तो ये जो जिन्हें सम्मुख बढ़ा इस कारण से इसको स्वर्ग मिला है। बोले जिस स्वर्ग के मैं चिड़े बन रहे थे उस स्वर्ग में मैं नहीं चाहता। वहां नारदाजी मिले थे, उन्होंने कहा कि राजा युधिष्ठिर स्वर्ग है, यहाँ लिखा नहीं कर लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, किंतु मेरे भाई कहाँ है? तो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारे भाई दूसरे स्थान में है, तो कहा मैं भी वहीं जाना चाहता। तो इंद्र ने अपने देवदूत को ये आज्ञा दी कि जाओ तुम इनको ले जाओ, जहां इनके भाई है वहां इनको भी ले जाओ। चल करना तो ये राजा जिस उस देवदूत के साथ में जा रहे हैं, रस्ते में बहुत भयंकर एक प्रकार से समझो विकट रास्ता मिला। वहां रस्ते में ध्रुव आ रही है, नए मुर्जे पड़े हैं, कहीं हड्डियां और कहीं मवाद, कहीं खून एक प्रकार से, कहीं चमड़ा। ये देख करके राजा युधिष्ठिर ने पूछा देवदूत से, क्यों भैया ऐसा ये विकट रास्ता जो है कितना दूर तक है, हमको इस मार्ग से कितने दूर तक चलना पड़ेगा? बोले नहीं, यहाँ तक ही, अब और नहीं चलना पड़ेगा। उसी वक्त वाद आने लगी कि ये महाराज युधिष्ठिर आपके यहाँ रहने से थी हमको बड़ी शांति मिल रही है, हम घोर नरक में पड़े हैं, मैं आपकी धर्मपत्नी द्रौपदी हूँ। दूसरी बात आई कि मैं आपका भाई अर्जुन हूँ। तीसरी बात आई कि मैं आपका भाई भीमसेन। इसी प्रकार से थी मैं आपका भाई नकुल, मैं आपका भाई सहदेव। राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि हमारे भाई और हमारी धर्मपत्नी सब नरक में पड़े हैं। विचार करने लगे कि देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो हमारे भाई धर्मात्मा है उनको तो नरक में और दुर्योधन स्वर्ग में। युधिष्ठिर ने मन ही मन में सोचा कि ये मुझको कोई स्वप्न तो नहीं आ रहा है, या कोई मुझको भ्रम तो नहीं हो रहा है, या देवताओं की बुद्धि विपरीत हो गई। तो उस देवदूत ने कहा कि आपके भाई से आप मिल लिए, आप चलिए। भाई लोग कह रहे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, आप जितनी बार अधिक से अधिक ठहर सके ठहरी, आपके आने पर हम लोगों को आपकी हवा लगने से बड़ी शांति हो रही है। नर्क की जो अग्नि है वो शांत हो रही है आपके प्रभाव से, और आपके प्रभाव से ये नर्क के मां यंत्रणा देने के जो अस्त्र शस्त्र है सब भूटे हो गए, काम नहीं कर रहे हैं, और आपके शरीर को छू करके जो हवा चलती है इससे हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, शांति हो रही है, इसलिए आप यही अधिक से अधिक ठहरी। युधिष्ठिर ने कहा देवदूत तुम अपने मालिक के पास ले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा, मुझको स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां मेरे भाई और मेरी धर्मपत्नी है वहीं है। तो मैं तुम अपना चले जाओ, अपने स्वामी से कह दो कि वे नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। इतना कहने के साथ में नरक का जो दृश्य है वो गायब हो गया, उनकी जो वाद आवाज थी वो भी नहीं रही। देखते हैं कि सम्मुख के बीच में धर्म जो साक्षात धर्म खड़े हैं और इंद्र देवता खड़े। धर्म ने कहा युधिष्ठिर
ये तो ये तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली गई है, तुम सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के वास्ते ही ये रचना करी थी। तुम्हारे भाई नरक के योग नहीं, वास्तव में तुम्हारे भाई जहाँ गए हैं उनको दिव्य दृष्टि दी जाती है, उसको तुम देखो कि तुम्हारे भाई कहाँ पर बुरा हुआ। ये नरक का जो दृश्य है तुमको किस लिए दिखला हुआ है? तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर, ये पूछने पर कि भीमसेन कहता है कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मेरे द्वारा मारा गया। द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे राजा भीष्म, मैं पूछता हूं क्या मेरा पुत्र सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? उस समय में तुमने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और आज तक कह दिया कि हाथी, वो हाथी की बात उसको सुनी ही, उसको धोखा हो गया, उसने ये बात समझ ली कि वास्तव में मेरा पुत्र मारा हुआ। द्रोणाचार्य भगवान श्री कृष्ण के अपेक्षा भी युधिष्ठिर का अधिक विश्वास करते थे कि युधिष्ठिर सरल है, ये कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं, किंतु आपने वहां झूठ बोल करके अधर्म किया, उस पाप के फलस्वरूप के बीच के मां ये आपको नरक के दर्शन कराएगी। जैसे आपने छल से झूठ बोला, इसी प्रकार हम लोगों ने भी छल से थी इस कल्पित नरक का दर्शन करा दिया। महाराज आप जानते हैं पाप कर्म जो है सो भोगना से ही क्षय होता है। अब आप शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, आपके भाई लोग नरक के लायक नहीं, वे कहां गए हैं आप देख। तो राजा युधिष्ठिर दिव्य दृष्टि से देखने लगे कि युधिष्ठिर का भाई जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास के बीच में परम धाम में विराजमान है। द्रौपदी की तरफ ख्याल करके देखा कि द्रौपदी लक्ष्मी का रूप धारण करके वहां से परम धाम के वहां विराजमान। भीमसेन को देखा तो वो वायु लोक के बीच के वहां विराजमान, और नकुल और सहदेव की तरफ देखा तो वह अश्विनी कुमारों के लोक को ऐसो चले गए, वहां उनका दर्शन किया। इस प्रकार से थी अपने कर्ण को देखा कि वह सूर्य लोक के बीच में चला गया। धर्मराज ने फिर युधिष्ठिर कहा कि युधिष्ठिर आप बड़े उच्च कोटि के महान पुरुष हैं, इसलिए आपके लिए सभी जो लोक है सो तैयार है, जहां आपकी मर्जी हो वहीं आप जा सकते हैं, आपके लिए कहीं की मनाही नहीं है, सब लोग आपको प्राप्त है। इस प्रकार स्थिति युधिष्ठिर को ये बात कही। समझना चाहिए कि युधिष्ठिर कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे, जिनके प्रभाव से थी नरक की अग्नि शांत हो गई, नरक की यातना जो बंद हो गई, जिसके शरीर से हवा छू करके जो बहती है वो शांति को प्रदान करती है। उनके मन कितना भारी त्याग था, सुख को ठुकरा दिया उन्होंने, उन्होंने अपने धर्म की तरफ ख्याल किया कि जब मेरे भाई मेरी स्त्री मन में रहूंगा तो वो नर्क में क्यों नहीं हो। भला युधिष्ठिर के भाइयों को और उसके स्त्री को नर्क कौन दे सकता है, किसकी सामर्थ्य है? तो ये आपको दिखलाया जाता है कि युधिष्ठिर बहुत उच्च कोटि के महात्मा पुरुष थे। अब रही वो सच की बात, आज दिन में जो कही गई थी और पुनः कहने के वास्ते कहा गया, उसके विषय में मैं कहता हूं कि महाभारत के
ज्ञान पर्व के यहाँ 15 दिन के युद्ध के यहाँ लिखा है। महाभारत के 15 दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य बहुत भयंकर युद्ध कर रहा है। उस समय के बीच के वहां द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके चलने से थी आकाश से आग बरसने लगी और अस्त्र शस्त्र बरसने लगी। लोग मरने लगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग मरने लगे। उस समय के बीच के वहां देवता और ऋषि लोग आकाश में खड़े होकर के द्रोणाचार्य से कहने लगे, हे द्रोणाचार्य आप युद्ध बंद कर दो, ये जो ब्रह्मास्त्र नहीं जानते उन पर आप ब्रह्मास्त्र चला रहे हो, ये बड़ा अन्याय है। आपको इस प्रकार से कि इन पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए, किंतु द्रोणाचार्य इस प्रकार से थी वीरता के वहां वीरता के नशे के वहां एक मुग्ध हो रहे थे, किसी की परवाह न करके वे आगे को बढ़ रहे थे। ये देख करके कि पांडवों ने देखा कि ये तो हमारी सारी सेना को शीघ्र नाश कर डालेगा, तो भीमसेन द्रोणाचार्य के पास में जाकर मिले। ये द्रोणाचार्य आपका जो सिद्धांत है कि जब मैं अप्रिय वचन सुनूंगा या मैं पुत्र की मृत्यु सुनूंगा उस वक्त युद्ध का त्याग कर दूंगा, तो तुम्हारा पुत्र जो अस्वस्थ हुआ तो मेरे द्वारा मारा गया है, आपको युद्ध छोड़ना चाहिए। ये सुनकर के भी यदि आप युद्ध नहीं छोड़ते हो तो अनुचित आपकी प्रतिज्ञा है। द्रोणाचार्य ने कहा कि भीमसेन तू मिथ्यावादी, मैं तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तुझे राजा युधिष्ठिर यह बात कह दे कि तुम्हारा पुत्र स्वतः मारा गया तो मैं उसके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। ख्याल करना चाहिए अश्वत्थामा जो है सो अन्ना है। द्रोणाचार्य का यह विश्वास है कि अमर भी मर सकता है किंतु युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोल सकता। भीमसेन दौड़ करके युधिष्ठिर के पास आए और ये सारा प्रस्ताव कह सुनाया कि मैंने जाकर के कहा किंतु मेरी बात पर विश्वास नहीं कर। तो हे महाराज युधिष्ठिर आप द्रोणाचार्य को कह दो, द्रोणाचार्य आपके पास आ रहे हैं, उनको आप कह दो कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा क्योंकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी, मालव देव का जो राजा है उसका जो हाथी उसका नाम अश्वत्थामा था, वो मेरे द्वारा मारा गया। तो अश्वत्थामा तो मारा गया चाहे मनुष्य बोलो चाहे हाथी बोल, और ये द्रोणाचार्य जीता रहेगा तो हमारी सारी सेना को नष्ट कर देगा, इसलिए एक प्रकार से आपके पास आ रहे हैं उनको कह दें। इतने में तो समझो कि लोगों को मारते काटते द्रोणाचार्य युद्ध करते करते वहां पहुंचे और वार दिलाई कि हे राजा युधिष्ठिर तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे से पूछता है, तुम सत्य कहो क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने जोर से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और आस्ते कह दिया कि हाथी। इतना कहने के साथ एक प्रकार से ढोल नगाड़े बजा दिए गए, विजय सूचना के ढोल नगाड़े बजा दिए गए। उनके कानों के मन ये आवाज गई कि मेरा पुत्र ये अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया यह आवाज ही सुनी, हाथी की आवाज नहीं सुनी। उन्होंने समझ लिया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। तो उस समय में द्रोणाचार्य ने
युद्ध का त्याग कर दिया और रथ के भीतर बैठ करके की ध्यान लगा लिया और अपने योग से अपने प्राणों को त्यागने की तैयारी थी। इतने के बीच में द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न है वो तलवार लेकर के वहां आया और उसके मस्तक को काट डाला। उन्होंने ये बहुत ही अनुचित कार्य किया, सब ने उनको एक प्रकार से थी धिक्कार दी, मानो उनकी विजय हो गई, कार्य से भाग गई। कारण की सेवा जो बहुत दूर तक चली गई कोसों, तो ये देख करके अश्वत्थामा ने पूछा कि ये क्या मामला है, जहां द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे और हमारे पिता द्रोणाचार्य की सारी सेना परास्त होकर के भाग रही है, ये क्या बात। उन्होंने सैनिकों ने उत्तर दिया कि आपका पिता जो है द्रोणाचार्य को मार गए, जिस प्रकार से मारे गए सारी हकीकत सुनकर के अश्वत्थामा के दिल में बड़ा ये सो क्रोध आया कि एक भीमसेन मिथ्या बोला और फिर युधिष्ठिर भी एक प्रकार से कि समझो कि मिथ्या बोल करके मेरे पिता को मरवा दिया और दुष्ट धृष्टद्युम्न जो मेरा पिता जो सो ध्यान में बैठा था उसका मस्तक काट लिया, मैं सबको मर डालूंगा। ऐसा मन में निश्चय करके निश्चय कर लिया कि पांडवों के वंश को नष्ट कर और जोश में आकर के की और सब सेना को बोला कि तुम चलो भागो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तो सब सेना को घेर करके के और अश्वत्थामा जो पांडवों से युद्ध करने के लिए आ रहा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन दुर्योधन की सेना भाग चली थी तो ये क्या बात है कि आकाश के बीच में बहुत धूल उड़ रही है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि महाराज सारी सेनाओं को साथ में लेकर के और अश्वत्थामा जो सो आ रहा है युद्ध करने के लिए, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा है तो उसका मुकाबला करना चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं, वो बड़े भारी क्रोध में भर करके के आग मंगूला होकर के आ रहे हैं, उसका मुकाबला कौन कर सकता है, आपने बड़ी भारी गलती की है, आप जो बोल रहे थे कि तो थोड़ा मारा गया मैं दूर से थी आपको मना ही करता रहा किंतु आप एक प्रकार से मिथ्या बोल गए। उस मिथ्या वचन का यह फल है जो अश्वत्थामा उत्तेजित होकर के आ रहा। इतने में अश्वत्थामा पहुंच गए, बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, उस युद्ध में सबके छक्के छूट गए और अश्वत्थामा ने इतना घोर युद्ध किया कि मैंने एक प्रकार से जैसे कोई नाक में दम आ जाए ऐसी दशा पांडवों की हुई। उस समय के बीच के वहां अश्वत्थामा ने पहले पहले ध्वस्त बांध से लाए, अंत के मां नारायण अस्त्र चला दिया। जब महाप्रलय होती है तब शिवजी महाराज जो सो पाशुपुत्र अस्त्र चला करते हैं, जब भगवान नारायण एक प्रकार से प्रलय करते हैं तो नारायण अस्त्र चलाते हैं। तीनों लोगों को लक्ष्य बना करके जब नारायण अस्त्र छोड़ दिया जाए तो तीनों लोग भस्म हो सकते हैं। तीनों लोगों को लक्ष्य बना करके पाशुपुत्र अस्त्र चलाया जाए तो तीनों लोग भस्म हो सकते हैं। पांडवों की सेना को लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया, पांडु घबराए और भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए कि महाराज इसका कोई उपाय बतलाओ। बोले इसका एक उपाय है हथियार
रख दो और हाथ जोड़ करके और इससे की शरण हो जाए नारायण अस्त्र की तो फिर नहीं मारेगा और दूसरा इसका प्रतिकार नहीं। सब सैनिकों ने योद्धाओं ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और हाथ जोड़ करके उस अस्त्र की शरण हो गए। शरण होने से वो अस्त्र शांत हो गया। भीमसेन ने अस्त्र त्याग नहीं किए तो उस अस्त्र का जो प्रभाव भीमसेन की तरफ चला गया तो अर्जुन और श्री कृष्ण जी ने जाकर के भीमसेन को रथ से नीचे उतारा और उसके अस्त्र खोस दिए और उसको भी एक प्रकार से थी जबरदस्ती उस अस्त्र की शरण उसको कर दी तब अस्त्र एकदम शांत हो। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा अश्वत्था में तुमने बड़ा अच्छा अस्त्र चलाया जिससे सब पांडव एक प्रकार से थी राजे हो गए। लाखों आदमी समझो कि मरे गए। ये कौन सा अस्त्र था? उन्होंने कहा कि नारायण अस्त्र। तो बोले शांत कैसे हो गया? क्या इसका प्रतिकार भगवान श्री कृष्ण जी जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका प्रतिकार बतला दिया। प्रतिकार इसका एक ही है कि जो नारायण अस्त्र की शरण चला जाता है उसको नारायण अस्त्र नहीं मारता। तो सब पांडव शरण हो गए, सारे योद्धा और सारे सैनिक सब शरण हो गए, इसलिए वो शांत हो गया। बोले वाह, ये अस्त्र तो एक बार फिर चला। अश्वत्थामा ने कहा कि ये अस्त्र फिर नहीं चला सकता। जो नारायण अस्त्र की शरण हो जाता है उस पर जब नारायण अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो नारायण अस्त्र उस सैनिकों को नहीं मारता, शरणापन्नों को नहीं मारता, अस्त्र प्रयोग करने वाले को मार डालता है। तो मैं ये अस्त्र चलाऊंगा तो ये अस्त्र मेरा विनाश कर दो, मैं मारा जाऊंगा। ख्याल करना चाहिए जिस समय में राजा युधिष्ठिर ने ये बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया उस वक्त में एक अलौकिक घटना हुई। याद रखना चाहिए महाराज युधिष्ठिर जब रथ में बैठते थे तो उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊंचा हो गया करता था। इसके रथ के पहिए भूमि पर नहीं चलते थे कि भूमि पर चलने से जीव हिंसा होती है, बहुत से क्षुद्र जो जीव है मर जाते हैं। तो इसलिए राजा जिस इतने धर्मात्मा थे उसके सत्य के प्रभाव से धर्म के प्रभाव से थी वो रस जो है सो रथ के पहिए जो है सो आसमान में चलते थे। किंतु जिस समय में राजा जिस ने ये बात कही कि अश्वत्थामा मारा गया उसी क्षण महाराज युधिष्ठिर का रथ जमीन के ऊपर गिर पड़ा। जब सत्य का प्रभाव चला गया, युधिष्ठिर का प्रभाव चला गया, रथ के पहिए उसी वक्त जमीन में गिर पड़े और भी महाराज युधिष्ठिर के धार्मिक प्रेम की बहुत सी बातें हैं। युधिष्ठिर अपने बड़ों के चरणों में रोज नमस्कार किया करते थे और बड़ों की सेवा किया करते थे। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व की कथा है जो आपको दोनों बतलाई थी उसका सार मैं सो बतला देता हूं। एक समय के बीच के वहां मौका देख करके और एकांत के बीच के वहां दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोल मारा था, उस पर आक्षेप किया था। दुर्योधन को मेरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए थे तब भीमसेन ने कहा अरे अंधा, तुम एक प्रकार से दूसरों के अधीन होकर के भोजन करता है, धिक्कार तेरे भोजन करने को। तो
उनके मन में बड़ा दुख हुआ। और मन में ये निश्चय किया कि अब मेरा यहां रहना उचित नहीं है। बुजुर्ग और समझे से सलाह करी तो उन्होंने कहा कि आपके कुल में जितने जो लोग हुए हैं वे तीर्थों में जाकर के मरे हैं, तो आपको भी अपने घर में नहीं मरना चाहिए, तीर्थों में चल करके मरना चाहिए। संजय बिजुर और धृतराष्ट्र का और गांधारी का ये निश्चय हुआ कि वन में जाकर तपस्या करके वहीं प्राणों का त्याग करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जो चरणों में नमस्कार करने के लिए आए तो कहा कि युधिष्ठिर हम लोग की चाह कि हम तीर्थ स्थान में जाकर के हम तपस्या करें और वहीं अपने प्राणों का त्याग करें। युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि आप यहीं रहकर तपस्या करो और यहीं एक प्रकार से थी अपना जीवन बिताओ। फिर और संजय ने भी युधिष्ठिर से कहा कि इनकी विशेष इच्छा बनने जाने की है तो आप इसको बनने जाने के लिए ही सम्मति दे दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिससे हम लोगों को छोड़कर के हमारे पिता के कुल हमारे ज्येष्ठ पिता जो उसको भूमि पर जाने के लिए विचार कर रहे। धृतराष्ट्र ने वो बात छिपा ली और युधिष्ठिर को कही नहीं, कहा कि बेटा तेरे राज में रह करके हम लोग बहुत खुश हैं और तैने हमारी बहुत सी सेवा की, तुम जैसा निज में भोजन करता है ऐसा ही भोजन तुम हमारे लिए रोज भेजता है, किंतु उस भोजन को हम लोग नहीं करते हैं, इन नौकरों को दे देते हैं, हम तो कंदमूल फल ऐसे खाते हैं। ये तुम्हारी बड़ी माँ जानती है कि आज तक हमने 15 वर्ष हो गए भोजन नहीं किया, कंदमूल फल ऐसे खाकर रहे और तुमने अच्छा प्रबंध कर रखा है सोने के लिए, समझो कि ये बढ़िया सो ढोले रखे हैं और उसके ऊपर बिछाने जो सो मकमल से बहुत ही तुमने अच्छा प्रबंध कर रखा है, किंतु आज 15 वर्ष हो गए हम भूमि पर ही शयन करते हैं, इस पिलुओं पर नहीं करते, हम घर में रहकर के तब करते हैं सही, किंतु हमारी अब इच्छा हो गई कि हम वन में जाकर के सब करें। या तुम्हारी बड़ी माता गांधारी और मैं दोनों ही एक प्रकार से थी, दोनों सहन करते हैं और कंदमूल फल खाते हैं और ये भोजन जो है और ये पिलुओं का सोना जो है ये हमको भाता नहीं, इनका हमने जब से दूर दूर की मृत्यु हुई तब से हमने सब त्याग करते पश्चाताप करने लगे। बोले बड़ी दुख की बात है, मैंने बड़ा धोखा हो गया, मैंने भाइयों के भरोसे आपकी सेवा छोड़ दी, आपकी सेवा भाइयों के भरोसे छोड़ दी और भाइयों ने इंतजाम ठीक नहीं किया, यदि मैं खुद आपकी सेवा करता तो ये बात कभी तो नहीं हो सकती कि मैं भोजन करूं और आप भोजन नहीं करो। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, अब मैं आपको भोजन कराऊ बिना भोजन नहीं करूं। महाराज युधिष्ठिर के आग्रह से उन्होंने भोजन करना पड़ा और बोले बेटा अब हम वन में ही रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे। उनका विशेष आग्रह देख करके उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। धृतराष्ट्र ने निश्चय कर लिया वन में जाने का। उसके बाद में राजा धृतराष्ट्र ने बिदुर को ऋषि के पास भेजा कि भेजा मेरी इच्छा है कि मैं दिल खोल करके अपने मेरे पुत्रों का जुआई का सबका श्राद्ध करूं, पुण्य धर्म करूं, अन्न वस्त्र दूं, ब्राह्मणों को अश्वारी दूं, जो इच्छा हो सकू। बिदुर जी गए, ये संदेशा सुना कि
सुनने के बाद भीमसेन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लिमिट होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा विदुर जी, ये भीमसेन जो कुछ कहता है इनकी बात उन्हें नहीं कहना धृतराष्ट्र के पास में। ये दुखी है, 12 वर्ष तक बंगल रह करके कलेश रहा है, उस के कारण से इन्होंने ये बात कही। मैं आपको कहता हूं वही बात जाकर के कहना, मेरा जो कुछ धन है, अर्जुन का जो धन है, और मेरा और अर्जुन का जो शरीर है और मेरा राज है, ये महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पण है। वे चाहे तो सब कुछ दान कर सकते हैं, उनके वास्ते कोई मनाही नहीं है, हमारे धन का ही दान नहीं, हम लोगों को भी वे चाहे तो दान दे सकते। पर ये बात अर्जुन से पूछ लो, उन्होंने जो बात कही है। अर्जुन ने कहा कि बहुत ठीक है, धर्मराज ने जो बात कही अक्षर से मुझको स्वीकार है। विदुर जी ने आकर वो सारी बात कह दी, धृतराष्ट्र के प्रति धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया। और बोला भीमसेन ने क्या कहा, बोले भीमसेन की बात के लिए उन्होंने मनाई कर दी, उसमें जो उन्होंने आग्रह किया तो वो बात भी बतला दी। उसके बाद ले गई दान पुण्य और समझ की श्राद्ध कर करके बहुत सा धन लेकर के ब्राह्मणों को अपने विदा हुए। विदा होने लगे तो उस रूप में कुंती देवी जो है वो भी उनके साथ सेवा करने के वास्ते तैयार हो गई। कुंती के जो पुत्र हैं सहदेव आदि, उन्होंने कहा कि माँ मैं इनकी सेवा के वास्ते जा सकता हूँ और तुम रजा होगी, तुम यहाँ से हो। और ये जो स्त्रियां जो है, सुभद्रा जो है, लोकजी है, इन्होंने भी आग्रह किया कि आप रह जाइए, हम सेवा के लिए चली जाएंगे। किंतु कुंती ने किसी की बात नहीं सुनी। कुंती एक प्रकार से थी, मना करने के ऊपर भी उनके साथ में गई। गांधारी की लाठी कुंती पकड़ी और धृतराष्ट्र की लाठी जो है संजय पकड़ी, और जी भी साथ चले गए। घोर बन में जाकर के बड़ी भारी तपस्या करी। उनकी ईश्वर की भक्त तो थी और बड़ों की सेवा करना भी बहुत कुछ कोटि की थी। उन्होंने तपस्या भी की, ख्याल कर रहा था ये राजा धृतराष्ट्र का कैसा बुरा व्यवहार पांडवों के साथ में रहा, उसको भुला करके कुंती ने उनकी आजीवन सेवा करी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सदा अपने सो उनकी सेवा की। महाराज युधिष्ठिर के साथ में धृतराष्ट्र का कैसा बुरा व्यवहार था, कुंती के साथ में कैसा बुरा व्यवहार था, पांडव लोग जब वन में गए तो कुंती से उनके पीछे रोती हुई दौड़ती हुई, किंतु किसी ने उसको रोका नहीं। ये सब वहां मौजूद थे, पैरों की स्त्रियों ने और धृतराष्ट्र ने गांधारी तक एक प्रकार से चुप रहे। विदुर जी कुंती को अपने घर पर लाकर और 13 वर्ष तक उनकी सेवा की। कुंती उन सब बातों को भुला कर लेके और अपना जीवन अपने जीवन जिताने की सेवा में लगा दिया। माता बहनों को ख्याल करना चाहिए, स्त्रियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने साथ में चाहे कोई कितना ही बुरा व्यवहार क्यों नहीं करे, किंतु अपने तो उनके साथ में साधु व्यवहार करना चाहिए। पांडवों के साथ और समझो कि कुंती के साथ में गांधारी और धृतराष्ट्र आदि ने कितना बुरा व्यवहार किया और दुर्व्यवहार किया, उसकी तो बात ही क्या है। किंतु राजा युधिष्ठिर ने उनके साथ में सदा सत्य व्यवहार किया। गंगा लोग जब दुर्योधन को पकड़ करके ले गए तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेज करके और चित्रसेन गंगा के हाथ से दुर्योधन को छुटाया, उनकी अस्थियों को छुटाया।
राजा जिसको जानते थे ये दुर्योधन बड़ा नीच प्रकृति का है, किंतु इस बात को कभी वो ख्याल नहीं करते थे, शत्रु भाव से नहीं देखते थे, उसको मित्र भाव से देखते थे, इसलिए उनका नाम अजात शत्रु था। जिससे का मतलब यह कि एक प्रकार से युद्ध के बाद कभी अटल नहीं, सूर्यवीर भी थे, ख्याल करना चाहिए। कर्म ने कितने जन्म की बालक अवस्था के में भीमसेन को विष लेकर के गंगा में डुबा दिया, बालक अवस्था के में पांडवों को बालनाथ नगर के में भेज करके कुंची के सहित आग लगाने का प्रबंध कर दिया, भरी सभा के बीच के में द्रौपदी को घसीट करके लाए और उसको नगन करने की चेष्टा की, उसके बाल खींचे गए, एक बात नहीं, पांडवों के साथ में ध्रुव जी के साथ में कुंती के साथ में सदा ये अत्याचार करते रहे दुर्योधनराज। गांधारी और धृतराष्ट्र के जीते उनके देखते हुए उन पर सदा अत्याचार होता रहा, किंतु युधिष्ठिर ने अर्जुन ने और कुंती देवी ने इन सब बातों को भुला करके अपनी अपना कर्तव्य समझ करके उनकी सेवा में अपना समय से बिता। तो हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए जिस प्रकार से थी महाराज युधिष्ठिर का जो उत्तम जीवन है, इस प्रकार हम लोगों को अपना जीवन बिताना चाहिए। जैसे अर्जुन का उत्तम जीवन है, इस प्रकार हम लोगों को अपना जीवन बिताना चाहिए। और जिस प्रकार से थी कुंती देवी का जो उत्तम जीवन है, द्रौपदी का उत्तम जीवन है, इस प्रकार से थी माता बहनों को अपना जीवन बनाना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के निशे की बात आपको बता दी, करीब समय एक घंटा हो गया है, इसलिए व्याख्यान बंद कर रहे हैं। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 சாந்தானும் கணானும் அச்சலானும் துருவானும் நித்யானும் போஜஸ்வரூபானும் ஞானஸ்வரூபானும் ஆனந்தியானும் நானந்தியானும் ஆனந்தியானும் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.